केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद दिल्ली में धरना दे रहे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन वापस ले लिया है। खेल मंत्री ने जांच का भरोसा दिलाया है। ये खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि खिलाड़ियों के सभी आरोपों की जाँच एक ओवरसाइट कमेटी करेगी। ये जाँच 4 हफ्तों में पूरी की जाएगी। खिलाड़ियों की जो मांगे थी उस पर पूरी तरह से डिटेल में बातचीत की गई है। मैं चाहूँगा कि खेलों को और आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग सभी खिलाड़ी मेरे साथियों ने किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जो सरकार की ओर से इन्होंने हमें सहयोग भी किया इस पूरी काम में, 72 घंटे का नोटिस था, उस पर समय रहते जवाब भी आ गया है और आगे भी हमने उम्मीद जताई है कि समय रहते ही जाँच को पूरी भी करेंगे ताकि इनके मन में जो भी बातें हैं उन सबको ठीक करने का काम किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह फेडरेशन से दूर रहेंगे और वे जांच में सहयोग करेंगे। ESPN की खबर के मुताबिक ये कमेटी सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों की भी जांच करेगी। इस ओवरसाइट कमेटी में कौन लोग होंगे इसकी घोषणा 21 जनवरी को की जाएगी। ठाकुर के मुताबिक जांच पूरी होने तक कमेटी ही फेडरेशन के रोजाना के कामों को देखेगी। खेल मंत्री से बातचीत के बाद देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, हम अभी खिलाड़ी प्रोटेस्ट को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, तो हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, मंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। एक दिन पहले भी अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से बात की थी लेकिन तब वे नहीं माने थे। इसके बाद खबरें आई कि खेल मंत्रालय ने ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि सिंह ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया था। BJP सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि वे अपराधी के टैग के साथ इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो पुलिस या CBI का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को सही साबित कर दिया जाएगा तो वे फांसी के लिए तैयार हैं। उधर अनुराग ठाकुर की घोषणा से पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता ओलंपिक मेडलिस्ट मेरी कॉम करेंगी। इसके अलावा कमेटी में डोला बैनर्जी, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव के साथ 2 वकील भी शामिल होंगे। पहलवानों ने 20 जनवरी को IOA की अध्यक्ष PT उषा को शिकायती पत्र भी लिखा था। हालांकि कमेटी बनाने के अलावा खिलाड़ियों की ये भी मांग थी कि ब्रजभूषण सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें और रेसलिंग फेडरेशन को भंग कर दिया जाए। इस पर ओलंपिक एसोसिएशन ने कोई जवाब नहीं दिया था। किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक उसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नियमों का उल्लंघन ना किया हो या फिर खेल की किसी विश्व स्तरीय संस्था ने उसकी मान्यता रद्द न की हो। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि नेशनल कैंप्स में नियुक्त कुछ कोच सालों से महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उनमें WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह भी शामिल हैं। जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी फेडरेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के अलावा रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक, जितेंद्र किन्हा और सुमित मलिक समेत करीब 30 पहलवान शामिल थे। सभी खिलाड़ी 18 जनवरी से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे साथी साकेत ने।